एपी यानी कि समांतर श्रेणी का वीडियो नंबर 4। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे और इससे पहले। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन का मोड है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंजिंग होने जा रहा है। एक एक टाइप का एक क्वेश्चन जरूर करते चाहें। मान लो इस वीडियोस का पहला क्वेश्चन है, किसी एपी का पांचवा पद, एपी का पांचवा पद ये है 11, यानी कि फिफ्थ टर्म इक्वल टू 11। फिफ्थ होगा ए प्लस फिफ्थ माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 11, यानी ए प्लस 4 डी इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 9 टर्म 7 है, 9th टर्म, 9th टर्म इक्वल टू 7 है। तो उसका आगे पूछा है 16वां पद ज्ञात करो, तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो 9th टर्म यानी कि 9वां पद, ठीक है, 9वां पद इक्वल टू 7 है। 9वां पद ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी यानी ए प्लस 8 डी इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 2 को हल करने पर 1 पर 2 से क्या ए प्लस 4 डी इक्वल टू 11 एंड ए प्लस 8 डी इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, यानी कि ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 डी इक्वल टू 4, तो डी इक्वल टू बचेगा -1, 4 से 4 कैंसिल हो गया। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में या 2 में जो भी है, मैं 1 में रख रहा हूँ, तो ए प्लस 4 डी की जगह -1 इक्वल टू 11, तो ए -4 इक्वल टू 11, तो ए इक्वल टू 11 प्लस 4, ए इक्वल टू 15। ठीक है, डी इक्वल टू -1 आ गया है। अब पूछा है 16वां पद ज्ञात करना है, तो 16वां पद ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी यानी ए प्लस 15 डी, ए का मान है 15 प्लस 15, डी का मान -1, तो 15 माइनस 15 यानी कि 0, तो 16वां पद इसका आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है, एक एपी का एम्बा पद बनपुन है। और तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, कई 2-3 क्वेश्चन हैं वो एक जैसे हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आते रहते हैं। एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का एम्बा पद बनपुन एन और एन बा पद बनपुन एम है। ठीक है, तो एम एन बा पद ज्ञात करना है, तो क्या निकालना है, एम एन बा पद ज्ञात करना है। एम बा पद मानेंगे ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एन बा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1/n, इक्वेशन नंबर 2। क्या निकालना है इसका, एम एन बा पद। समीकरण 1 2 को हल करने पर 1/2 से ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी 1/n, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1/m, घटाने पर यानी कि सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हुआ, एम माइनस 1 इंटू डी माइनस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। डी यहाँ पे कॉमन लेंगे, एम माइनस 1 माइनस एन और ये होगा +1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, ये कैंसिल हुआ, डी एम माइनस एन इक्वल टू एम एन कॉमन, एम माइनस एन, एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल, डी इक्वल टू 1/m। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, डी का मान आ चुका है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, ए प्लस डी का मान 1/mn इक्वल टू 1/n, ये हो गया एम अपॉन एम एन माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n, एम से एम कैंसिल हुआ, ए प्लस 1/n माइनस का 1/mn, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1/mn। और डी का मान भी 1/mn ही आ चुका है। ठीक है,
ए और बी मान के मान आ गए, ए का मान 1/mn एंड डी का मान भी 1/mn, दोनों के मान हम ज्ञात कर चुके हैं ए एंड डी का। अब हमको फाइंड करना है एमएन वा पद, कहेंगे एमएन वा पद यानी ए प्लस एमएन माइनस 1/d। तो ए का मान 1/mn रखेंगे प्लस एमएन माइनस 1 एंड डी का मान 1/mn। तो ये हो गया 1/mn प्लस एमएन बाई एमएन माइनस का 1/mn, इससे कैंसिल हो एमएन से एमएन यानी 1 बचता है, एमएन बटे एमएन कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं अगर तो वो भी आते रहते हैं इसी टाइप में। जैसे कि एक एपी का मैं तीसरा क्वेश्चन देता हूँ। एपी का एम बापद एन है और एन बापद एम है। ठीक है, एम बापद एन है तो उसका पी बापद ज्ञात करना है। तो यहाँ तक तो वैसा ही था, यहाँ पे एम बा 1/n था और एन बा 1/m था। अब की बार कह दिया एम बापद एन है और एन बापद एम है। तो ए एम बापद ए प्लस एम माइनस 1/d इक्वल टू एन, और ये हो जाएगा एम। समीकरण एक और दो उसी प्रकार से ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, फिर पी बापद ज्ञात कर देंगे। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, पी बापद बराबर क्या, एम बापद एन है और एन बापद एम है तो पी बापद ज्ञात करो। ठीक है, और इसी टर्म के जो क्वेश्चन है उनमें, जैसे कि ये हमारा पहला, इसे पहला क्वेश्चन था उसमें हमने एम एन बापद पूछा है, तो ये पूछा था एम एन पदों का योगफल पूछ ले। ठीक है, या कुछ और आगे पूछा है, तो मतलब ए और डी तो फाइंड करना ही करना है, सबसे पहला काम तो यही है। समीकरण एक दो को हल कर लेते हैं। समीकरण एक पे दो से ये ए प्लस एम माइनस 1/d इक्वल टू एन, ए प्लस एन माइनस 1/d इक्वल टू एम घटाने पर योगा माइनस माइनस ये माइनस कैंसिल हुआ, तो एम माइनस 1/d माइनस एन माइनस 1/d एन माइनस एम, डी कॉमन लेंगे एम माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू एन माइनस एम, तो डी 1 से 1 कैंसिल एम माइनस एन, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे एम माइनस एन, इससे कैंसिल हुआ डी इक्वल टू माइनस 1। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है ए प्लस एम माइनस 1/d इक्वल टू एन, तो ए प्लस एम माइनस 1 डी का मान माइनस 1 इक्वल टू एन, तो ए माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू एन, तो ए इक्वल टू एन प्लस एम माइनस 1, ए का मान आ गया एन प्लस एम माइनस 1 और डी का मान माइनस 1। अब हमें लेना पी बा पद यानी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ए का मान है एन प्लस एम माइनस 1 प्लस पी माइनस 1, डी का मान है माइनस 1, एन प्लस एम माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो एन प्लस एम माइनस पी, तो ये यहाँ पे आ चुका है पी बा पद, इसको लिख सकते एम प्लस एन माइनस पी या एन प्लस एम माइनस पी। ठीक है, पी बा पद आ गया। तो एक जैसे क्वेश्चन हैं और दो तीन क्वेश्चन एक जैसे हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी टाइप का करने वाला हूँ, जैसे कि अगला क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन हो गया इसमें, हाँ, किसी श्रेणी के लिए टी पी बराबर टी क्यू यानी कि पी बापद बराबर क्यू बापद दिया है, तो टी पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करो। टी पी प्लस क्यू
यानी कि टी एन जैसे होता है, आपने सुना होगा एस एन तो सम होता है, टी एन एनवा पद होता है। यहाँ पे टी पी दिया है यानी कि पीवा पद है, एन टी क्यू है क्यूवा पद है। पीवा क्यूवा पद बराबर है, पी प्लस क्यूवा पद पूछा है, ठीक है। टी पी का मतलब है पीवा पद, एंड क्यू का मतलब है क्यूवा पद, टी क्यू यानी क्यूवा पद। तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी होगा, एंड क्यूवा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी होगा। ए से ए कैंसिल हुआ, पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा, एक साइड में इसको ले लेते हैं, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। डी कॉमन, पी माइनस वन माइनस का क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो। वन से वन कैंसिल हुआ, डी पी माइनस पी इक्वल टू जीरो, यानी डी इक्वल टू जीरो। अब डी का मान जीरो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल होने वाला है, पी प्लस क्यू का पद अगर करते हैं, टी पी प्लस क्यू इक्वल टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। डी का मान अगर हम जीरो रख देते हैं, पी प्लस क्यू माइनस वन डी का मान जीरो रख देते हैं, तो आंसर आ जाए है ए, यानी कि प्रथम पद के बराबर होगा। अब यहाँ से ए तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि टी पी बराबर टी क्यू है, यानी टी पी प्लस क्यू ए आ जाना है, ठीक है। टी पी प्लस क्यू, टी पी प्लस क्यू, टी पी बराबर टी क्यू, अरे नहीं पी, टी पी टी क्यू के बराबर है। अब डी बराबर ज़ीरो है तो ए से कैंसिल हो रहा है, तो कन्फर्मेशन तो है नहीं, पी बापद कुछ दिया नहीं है। पी बापद का मान कुछ दिया होता या क्यू बापद का कुछ मान दिया होता तभी तो ए निकाल पाते, यानी ए आएगा। टी पी प्लस क्यू बराबर ए, यानी प्रथम पद के बराबर आना है। तो टी पी प्लस क्यू बराबर ए, यानी प्रथम पद जो भी हो, प्रथम पद चाहे ए हो वन टू कुछ भी हो, ए का मान कुछ भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो ये आएगा ए के बराबर। तो इस टाइप के काफ़ी और भी क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।